एक चीज दिखाऊं, ये देखो, ये अच्छा खासा डीप है, मिट्टी नहीं है, डीप कट लगा हुआ है यहाँ पर, पूरी लाइन देखो जा रही है और वो पीछे तक अच्छा खासा। चिलती जा रही है गाड़ी नीचे से। विक्रम भाई के साथ भी विदा लेते हैं हम, और बहुत अमेजिंग कह रहा हूँ भाई, गुड़गांव चल, कल सुबह निकल जाइयो। मैं तो कह रहा हूँ मोहाली चलो। तो जी हम मुरादाबाद विकास क्षेत्र में तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर विकास दूर दूर तक नहीं है भाई। हाँ भाई, रोक रहे हैं, शोर ना मचा चाची। सो जी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपना जिम कॉर्बेट फाइनल डे है और आज है 15 अगस्त, और 15 अगस्त में हम पहले यहाँ अभी ये झंडा फहराया और उसके बाद बस अभी ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे और वापस से यार वो ऑफ रोडिंग वाली ट्रेल फॉलो करेंगे। ये हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हम थोड़ा सा लेंगे। और क्योंकि आज अपन ने ट्रैवल करना है यार, आज का ब्रेकफास्ट बिल्कुल लाइट लाइट सा रखेंगे, बस दो पूड़ी, थोड़े से आलू और जूस, और ये ऐसी चीज़ है, पता नहीं कैसी चीज़ है, खा के देखते हैं। हम आ गए थे फाइनली गाड़ी लेने अपनी, क्योंकि आज अपनी यहाँ से विदाई होने वाली है, वापस जा रहे हैं अपन यहाँ पर। तो ये अब गोल्फ कार्ट में आया था यार, ये अंदर ना गोल्फ कार्ट रहती हैं, आपने आना जाना कहीं भी करना है, काफ़ी बड़ा कैंपस है यार यहाँ पर, तो इसी से करना पड़ता है। तो बस अब दो तीन दिन से अपनी गाड़ी यहीं खड़ी थी, हालत देखो यार इसकी, मिट्टी मिट्टी हो रखी है, बट कोई चक्कर नहीं, अब जाके इसकी सर्विस, वैसे भी ड्यू है 20,000 किलोमीटर इसके हो चुके हैं, तो जाके धुलवाएंगे अच्छे से, इसकी मरम्मत करवाएंगे अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ। वैसे कुछ बजी नहीं थी, कल थोड़ी बहुत जो बजी भी थी ना, कल नहीं परसों, तो मेजर तो कुछ नहीं हुआ, बस जैसे यहाँ फुट रेल वगैरह यहाँ कहीं बजी थी, तो मेजर ऐसा कुछ भी दिक्कत तो कहीं नहीं आई थी इसकी, उस दिन जो परसों जो बजा था ना यहाँ पर। चलो आज भी प्यार प्यार से निकालनी पड़ेगी बड़ी। और ये रही विक्रम भाई की स्कॉर्पियो वैन। अब विक्रम भाई का उस दिन क्या हुआ था, टायर कौन सा वाला, आगे वाला ना, ये वाला, ये ऑफ रोड पे जाते हुए ना ये फट गया था टायर, तो ये चपनी लगी हुई है फिलहाल, ये पड़ा हुआ टायर कहाँ से फटा ना, ये सारी रिम भी यहाँ से खराब हो गई थोड़ी सी एकदम से, ये बचा ये ना, हाँ ये फटा हुआ है पूरा यार। वही चीज़ है देखो, ऑफ रोडिंग मजा जरूर आता है, लेकिन यार ये छोटे मोटे रिस्क ना रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, बड़े हो जाते हैं बिल्कुल होने के बाद बड़े लगते हैं, बट पहले तो होता है चलो हाँ रिस्क है तो ठीक है, बट वही है रिस्क है तो इश्क है बिल्कुल। तो जी अब अपनी गाड़ी को विक्रम भाई की गाड़ी से लगा के टायर में हवा भर रहे हैं। अब ये देखो यार, ये गाड़ी का जो 12 वोल्ट का सॉकेट अपन लगवाया था, काम आया कि नहीं आया, क्योंकि एक्सयूवी में, पूरी एक्सयूवी में सिर्फ एक पीछे की तरफ आता है अदरवाइज, अब अदरवाइज अगर मेरे को भरना होता गाड़ी उल्टा सीधा करके लगाते, यहाँ जगह भी कम थी, लेकिन ये वाला अपना 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ काम आ गया। तो भाई कई चीजें बहुत जरूरी होती है जो करवानी चाहिए। मैं सही बात बताऊं ना यार, थोड़ा सा इसकी पापा वाली फील आती है, थोड़ा सा बड़ी बड़ी ऊंची है हाइट में, इसकी थोड़ी शेप जो है एरोडायनामिक है। ये देख लो जहाँ पर हमने स्टे किया था, ये प्रॉपर साइड में फेंसिंग है जो इलेक्ट्रिफाइड है, और ये पूरा जंगल एरिया है, ऐसा नहीं है कि थीम है जंगल की, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल घने जंगल के बीचों बीच था अपना स्टे। इन फेंसिंग को देख के ना वैसा याद आ रहा है जैसे जुरासिक पार्क में, नहीं था कि डायनासोर से बचने के लिए फेंसिंग की होती, बड़ा तोड़ के आ जाता है तो वो वाली चीज याद आती है कि यार ऐसा हो कि जानवर तोड़ के आ जाए, बट नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर तरीके से गार्डेड है हर जगह से, और ऐसा कोई इंसिडेंस भी नहीं इनके पास हुआ कभी भी, तो सिक्योर है, जंगल के बीच में है लेकिन सिक्योर्ड है। तो जी सामान अपना हो चुका है लॉक एंड लोडेड, अब एक बस सर्टिफिकेट सेरेमनी है कि जो पार्टिसिपेंट्स आए थे और ये सब कुछ, तो वो हमने करने आगे पार्क में जाना है। तो ये हमारी जी क्लोजर सेरेमनी थी, तो सारे अब जा रहे हैं वापसी, और बारिश भी शुरू हो गई है भाई, ये सबसे रिस्की काम है, क्योंकि ऑफ रोडिंग वाला जो ट्रैक है ना भाई, वो सूखा जब तक है तब तक तो भाई इजिली निकल सकते हैं, बारिश पड़ने के बाद तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो नहीं, हाँ मुश्किल है आसान है, निकलेंगे तो सही, जब उस दिन निकाली तो आज कौन सा छोड़ेंगे। सो जी निकल चले हैं दोबारा से हम उसी ट्रैक पे, अब देखो क्या बनता है यार जंगल के बीचों बीच, अबे साइड में भी इतनी झाड़ियां है ना, असली झाड़ियां तो खैर आगे आएंगी, अब जैसे ना बारिश होने की वजह से ये है,
ये मिट्टी एकदम से चिकनी हो जाती है, अब यहाँ से थोड़ा सा हम स्पीड से निकालेंगे। तो जी अब ये जंगल वाला रोड है टोटली, तो आप खुद देखो यहाँ अगर बारिश हो जाए ना मिट्टी इतनी स्किडी हो जाती है ना, ये देखो गाड़ी झूल रही है इस टाइम। और दूसरी चीज जो होना जरूरी है ना भाई पीपीएफ, क्योंकि सारी झाड़ियां साइड में भाई पीपीएफ ना ना हो आपकी गाड़ी इतने स्क्रैच बजेंगे बहुत ज्यादा भर भर के। और ये वो लोकेशन है जहां पर खाद फंसी। ओ भाई ऐसे ही जो फुट रेल है ना वही रगड़ा जा रहा है बार बार, थोड़ा बाहर की तरफ है ना जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ये देखो मिट्टी यहाँ पर इतनी सारी है, गाड़ी स्किड करती है पूरा। चिलती जा रही है गाड़ी नीचे से। चिल तो क्या यार, ये छोटे छोटे डंडे से है ना पौधों के, तो ये लगते जा रहे हैं, यहाँ से खींच के निकालनी पड़ेगी एकदम से। ऐसे अदरवाइज स्लिपरी होने की वजह से ना, अगर गाड़ी मोशन में ना हो भाई फंस जाएगी, एकदम से फंस जाएगी शायद ना, गाड़ियां हमारी फंसी हुई हैं। और हितेश भाई एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ हेल्प चाहिए होगी। ये मेरे आगे पत्थर टायर के आगे देखना, ये वाला शार्प सा, वहां पर भी पत्थर कई हटाए थे मैंने, वहां ज्यादा पत्थर है। ये भाई आधा ट्रैक तो हमने कवर कर लिया है, बस ये है कि जो नीचे यार बजरी है ना वो सिर्फ जैसे ना जो अपने फुट स्टेप है, तो वो बाहर की तरफ है इसलिए वो रगड़ी जाती है, और उसके नीचे फुट स्टेप के नीचे ना पेच निकले हुए हैं, तो कई जगह पत्थरों में वो पेच रगड़े जाते हैं, अदरवाइज अभी तक गाड़ी कहीं टच नहीं हुई, वो सिर्फ फुट स्टेप रगड़े जा रहे हैं। अब ये वो वाला रोड पे हम आ गए हैं जहां हम सीधा इधर को जब चले गए थे उस दिन जाते हुए, अब ये वापसी के लिए ये रोड मिल गया, तो हमने दोनों ट्रैक से ऑफ रोडिंग कर ली अपनी गाड़ी की। आप समझ सकते हो आगे थार जा रही है भाई, वो भी सोच सोच के चल रही है, क्योंकि है यार बहुत मतलब ना बीच में एकदम से बड़ा पत्थर भी है खड्डा भी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली चीज होती है, तो इसलिए भी भाई बड़े अपन ध्यान से चले हैं। लेकिन अपनी अब फिलहाल थैंकफुली एक्सयूवी ने अभी तक कहीं भी स्ट्रगल नहीं की, बड़े प्यार प्यार से मैं इसको लेके जा रहा हूं। आपको आ रहे हैं।
हालत देखना अपनी गाड़ी की कैसी होगी। तो जी अभी तक तो बढ़िया परफॉर्म किया अपनी गाड़ी ने, कहीं भी इतनी सी भी दिक्कत नहीं आई इस गाड़ी से। हाँ कई जगह यार जैसे कीचड़ था तो टायर स्पिन हुए हैं, लेकिन पावर इतनी है इस गाड़ी में भाई, बड़े प्यार से निकली है वहाँ से भी। हालत ज़रूर ख़राब हो गई है बट कोई चक्कर नहीं है भाई, जाके इसको धुलाना है, सर्विस इसकी पूरी अच्छे से होने वाली है, तो कोई टेंशन नहीं है अपने को। बस थोड़ा सा अपना ट्रेल और रह गया है, ऊपर सारी गाड़ियाँ जो हैं ट्रैक पर ही हैं, तो अभी थोड़ा सा रुके हैं। प्लीज़ एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखो ये अच्छा खासा डीप है, मैं मिट्टी नहीं है, डीप कट लगा हुआ है यहाँ पर, पूरी लाइन देखो जा रही है और वो पीछे तक अच्छा खासा ये। बट कोई चक्कर नहीं भाई, पीपीएफ हो रखी है इसलिए मेरे को 1% भी दुख नहीं है इस चीज़ का। इसी दिन के लिए कराई थी, इन्हीं चीज़ों के लिए करवाई थी भाई। यहाँ से अपने गूगल मैप में डाल दिया अपने घर का लोकेशन और उसको लगेंगे 8 घंटे 40 मिनट और रात को 11 बजे का ईटीए दिखा रहा है, देखो कितना पहुंचा। और ये तो नॉन स्टॉप है, भी रुकेंगे भी भाई बीच में, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियाँ हैं ना, फिर एक रुका तो भाई आधा पौना घंटा कहीं नहीं गया। चलो लेट्स सी कितना टाइम लगता है और यहाँ से जर्नी शुरू करते हैं। अभी टाइम हुआ है 2:15 बजे। चलो लास्ट टाइम मैं इस रूट से आया था जब मैं मुक्तेश्वर गया था, और मुक्तेश्वर से आने में सीधा नॉन स्टॉप घर तक मुझे 12.5 घंटे लगे थे। तो ये तो मुक्तेश्वर तो खैर आगे की तरफ है, ये हम रामनगर से थोड़ा सा और आगे 20-22 किलोमीटर और इंटीरियर में है। बट एक तो नेचर उसकी ब्यूटी और एक लाइनअप की अपनी ब्यूटी भाई, दोनों मजेदार। यहाँ पर ताजी ताजी बारिश हुई तो सारा मलबा देखो, कीचड़ मिट्टी पानी सब कुछ आया पड़ा था यहाँ पर, तो ये एक रिस्क रहता है यार बरसातों में अगर हम पहाड़ों पे घूमने जाएं। ये देखो सारा, ये तो चलो थैंकफुली क्लियर है ये वाली जगह, अदरवाइज तो भाई यहाँ से निकलना पड़ जाए और ये मिट्टी हो यहाँ पर फिर तो नियर टू इम्पॉसिबल है, फिर कोई भी गाड़ी हो भाई वो नहीं निकल सकती, चाहे थार हो चाहे एक्सयूवी चाहे स्कॉर्पियो, मतलब ही नहीं बनता। तो भाई एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है और ये फाइनल वाटर क्रॉसिंग है, लोग नहा भी रहे हैं बल्कि बीच में, तो खैर बहुत ज्यादा फ्लो नहीं है कि जिसकी वजह से कोई दिक्कत आए, इसलिए आराम आराम से बड़े प्यार से अपन खींच लेंगे, निकाल लेंगे जैसे आगे वाली स्कॉर्पियो निकाला है ऐसे। तो भाई अभी रिफिलिंग के लिए रुके हैं, भैया फुल कर दो पेट्रोल, कैसे देंगे कर लो, अब तो खिचम खेच पेलम पेल गाड़ी चलेगी मस्त। अब यार कोई मैन्युफैक्चर अपडेट भी आ रखी है, ओके ओके। सो ये क्लिप महिंद्रा ने भेजी है, सभी गाड़ियों में आई होगी अपडेट के नाम पे, तो आज 15 अगस्त है, सो आप सभी को भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यार भूख सबको ज्यादा लग गई थी तो उससे पहले ही हमने प्लान कर लिया कि रुकने का बीच में, तो गजरौला को फिर हम सीधा बाईपास ही कर जाएंगे, फिर नहीं रुकेंगे। चलो भाई बहुत अच्छा,
इट वॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और यार ये मैं कभी एक्सपेक्ट कर नहीं सकता था कि अपनी 700 से मैं ऑफ रोडिंग करूंगा। ऑल थैंक्स टू यू, आपने अपॉर्चुनिटी दी इसको टेस्ट करने की। तो आई होप आगे के ऐसे ही बनते रहेंगे चेतन भाई के साथ। एंड बिग थम्स अप टू ट्रैवल हॉलिक एडवेंचर्स। और मैं तो खुद ये बोलूंगा यार, अगर आपने भी इस तरह का फन करना है नेक्स्ट लेवल, तो भाई जरूर इनको कॉन्टैक्ट करो। बाकी नंबर और एड्रेस मैं सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर जाके इनको चेकआउट करो। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। जी विक्रम भाई के साथ भी विदा लेते हैं हम। और बहुत अमेजिंग, कह रहा हूँ गुड़गांव चल कल सुबह निकल जाइयो। मैं तो कह रहा हूँ मोहाली चलो, टायर चेंज वही करवाते हैं जरा जाके। लेकिन छोटा सा ट्रिप था लेकिन बहुत मजा आया सच में, बहुत अलग ही एक्सपीरियंस हुआ है ये वाली चीज। तो आई होप अब जल्दी और ट्रिप बनेंगे। अभी कई सारी चीजें इन लाइन है, प्लान की हुई है, एग्जीक्यूट देखो कब होती है। बाकी जो भी होगा मजा जरूर आएगा आपको। तो जी हम मुरादाबाद विकास क्षेत्र में तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर विकास दूर दूर तक नहीं है भाई। सड़क की जो दुर्गति है ना, जो बुरे हाल है ना यार, मतलब इतना गाड़ी ऑफ रोडिंग मेरी टूटी जितना यहाँ टूट रही है, बहुत ही बुरे हाल है भाई। भाई साहब जितना मुरादाबाद वालों ने विकास के बोर्ड लगा रखे है ना, उसका आधा ही पैसा भाई सड़क पे लगा देते है ना, क्या बात ही। फिर तो जी मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट को हम बाय बोलते हैं, सीधा रोड निकल गया बरेली लखनऊ। वहां अपने को जाना नहीं, हमने मुड़ना है दिल्ली वाली तरफ, और वहां से KMP पकड़ के हम कुंडली से उतर जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। तो सिंपल सा अपना रूट ये है भाई, यहां से दिल्ली रह गया 94 किलोमीटर, लेकिन दिल्ली अपने को जाना नहीं है। लेकिन भाई साहब आगे जैम दिख रहा है, इतना जबरदस्त है यार, इतनी देर से अपन धीरे 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 बस खिसक ही रहे हैं। और ये अपनी कॉन्वॉय की XUV एक और जो साथ में गई थी वो भी आगे ही फंसी हुई है भाई, क्या बनेगी बात। ऐसा हम सोच रहे हैं नॉन स्टॉप जाना है, जाम ही नहीं रोक लिया हमें। जय गंगा मैया। तो जी इस टाइम हम गंगा नदी को क्रॉस कर रहे हैं, और ये बस अभी थोड़ी देर में जो है यूपी वाला पार्ट जो है खत्म होने वाला है और हरियाणा शुरू हो जाएगा। बस ये वाला जो ब्रिज जल्दी से क्रॉस हो जाए भाई, बहुत देर से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। भाई ट्रैफिक से बचने के लिए हमने तो एम्बुलेंस के पीछे लगा दी है गाड़ी, अपना रास्ता क्लियर होता हुआ जा रहा है। नहीं तो यार लग गई थी अपनी, लेकिन यार अब आ गया आगे टोल, अब टोल पे ये तो निकल जाएगी, हमें तो देना पड़ेगा। तो जी अपना साथ यहीं तक था, बट काफी साथ निभाया इसने, फटाफट खिंचवा दी गाड़ी। चलो कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। भाई मूर्थल पहुंचे और ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो ना मेला लगा हुआ है भाई, इतना रश है हर ढाबे पे हर जगह। अमरीक सुखदेव तो चलो फेमस है, यहाँ पर बाकी ढाबे भी भाई बड़े बड़े हैं भाई, मूर्थल का नक्शे बदल दिए सच में। सो जी कंटिन्यूसली अपन लगभग 5-6 घंटे से गाड़ी चला रहे थे, अब देखो गाड़ी ने ही बोल दिया भाई साहब रुक जाओ, चाय पी लो, आराम कर लो, और मुझे भी करने दो। तो देखते हैं यार अब आगे कोई खाने पीने की जो जगह आती है वहां देखते हैं कुछ खाने पीने का हिसाब किताब। और वैसे हल्की हल्की भूख लगी गई है। तो बाकी मैं बता दूं हम लगभग शाहबाद अभी जस्ट क्रॉस किया हमने, और जो घर का डिस्टेंस रह गया है 70 किलोमीटर। हाँ भाई रोक रहे हैं, शोर ना मचा चाची। तो भाई पहले अपनी गाड़ी का पेट भरते हैं, फिर अपना पेट भरते हैं। पेट्रोल पंप पे ये बड़ी सी चीज लगाई हुई है, देखो कैमरा लगाया हुआ है ताकि रिकॉर्डिंग भी होती रहे कि जीरो से शुरू किया है कि नहीं। हर पेट्रोल पंप वालों को वैसे ऐसा करना चाहिए यार, ये बढ़िया चीज है, गुड। तो जी गाड़ी की टंकी तो अपने फुल करा ली थी, लेकिन यार अब अपना घर ना एक्चुअली बचा था सिर्फ 50 किलोमीटर। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि यार अब यहाँ रुक के खाएंगे, टाइम लगेगा 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा, इससे बेटर है सीधा घर ही चलते हैं भाई, घर में मस्त मैगी सी बना के वो खाएंगे। तो अभी बस निकल रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लिया अपने, और बस अब तो घर ही रुकेंगे भाई, अब बाहर रुकने की हिम्मत नहीं है, बहुत बार बार रुक गया। तो फाइनली जी अपन पहुंच चुके हैं मोहाली वापस आके, और टाइम हो रहा है पूरे 12 बजे है। और किलोमीटर्स की बात करूं अपनी गाड़ी 21,000 किलोमीटर चल चुकी है, सर्विस इसकी ड्यू है, और ये ट्रिप लगभग 1500 किलोमीटर का था। लेकिन भाई जो मर्जी बोलो, ये ट्रिप किलोमीटर्स की बात नहीं थी इस ट्रिप में था भाई फुल ऑन एडवेंचर।
और देखो भाई मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखो प्यार हर किसी को अपनी गाड़ी से होता है, मुझे भी अपनी गाड़ी से प्यार है, लेकिन इस ट्रिप के बाद ना अपनी एक्सयूवी के लिए मेरे दिल में प्यार और इज्जत भाई दोनों बढ़ गई। क्यों? क्योंकि यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था अपनी गाड़ी यार इतना बढ़िया ऑफ रोडिंग कर लेगी, क्योंकि वो जो ट्रेल थी ना वो उन्होंने स्पेसिफिकली जो है अपनी ये थार के लिए रखी हुई थी। मैंने रखा हुआ था कि यार मैं नहीं लेके जाऊंगा, कोई बात नहीं फंसेगी, मुझे पता है फंस जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आठ थारे साथ में जा रही हैं तो वो निकाल लेंगे अपन इकट्ठे मिलके। बट अपनी एक्सयूवी एक जगह भी कहीं पर भी नहीं फंसी, ये ऊपर तक जाके रिजॉर्ट तक काफ़ी चढ़ाइयाँ थी, बड़े बड़े पत्थर थे, मिट्टी थी, स्लश था, सब कुछ था, लेकिन इसने हार नहीं मानी, ये कहीं भी इसने स्ट्रगल नहीं की। हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मैंने ध्यान रखा कि कोई ऐसा ऊंचा पत्थर तो नहीं है और कोई नुकीला पत्थर ऐसा या कुछ ऐसी वैसी चीज़ ना हो, हल्की फुल्की टच हुई, ये सिर्फ टच उस जगह से हुई जहाँ इसका फुटस्टेप है। ऑब्वियसली फुटस्टेप मैंने आपको वीडियोज़ में दिखाया होगा कि थोड़ा सा बाहर होता है और इसके जो स्क्रूज होते हैं वो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ होते हैं, तो कहीं भी अगर टच हुई है उन फुटस्टेप्स पर टच हुई, बॉडी पर एक जगह भी टच नहीं हुई, तो इसलिए यार इस गाड़ी के लिए भाई इज्जत बढ़ गई है। बाकी आई होप आपको ये सीरीज और ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो डू गिव इट अ लाइक, और चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब। सो प्लीज अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। सो मिलते हैं नई वीडियो में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। लिटरली मेरी आंखें बंद हो रही है, इतनी ज्यादा थकान हो चुकी है, अब बस सोएंगे, गुड नाइट।